पी ऑफ एक्स वाई जेड जदि जहाँ पाखरे जो खाता खाता अच्छे टिके समान सब देखु था इफ पी ऑफ एक्स वाई जेड इज डिवाइडेड पी ऑफ एक्स वन वाई वन जेड वन एंड क्यू ऑफ एक्स टू वाई टू जेड टू इनटू द रेशियो एम इज टू एन इंटरनाली कारण आम डिविजन फॉर्मूला हूँ दीटा गोटे हूँ इंटरनाली अनदर वन इज द एक्सटर्नाली देन एक्स इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन होल डिवाइडेड बाय एम प्लस एन वाई इज इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइडेड बाय एम प्लस एन जेड इज इक्वल टू एम जेड टू प्लस एन जेड वन बाय एम प्लस एन एटा होची हमरा डिविजन फॉर्मूला रहूची इंटरनली रो फॉर्मूला नेक्स्ट हमें एक्सटर्नली फॉर्मूला देखिबा इफ पी ऑफ एक्स वाई जेड डिवाइड पी ऑफ एक्स वन वाई वन जेड वन एंड क्यू ऑफ एक्स टू वाई टू जेड टू इनटू द रेशियो एम इज टू एन एक्सटर्नली देन एक्स इज इक्वल टू एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन बाय एम माइनस एन वाई इज इक्वल टू एम वाई टू माइनस एन वाई वन डिवाइडेड बाय एम माइनस एन जेड इज इक्वल टू एम जेड टू माइनस एन जेड वन बाय एम माइनस एन एटा हूँ तुम इंटरनाली आउ एक्सटर्नाली फॉर्मूला नेक्स्ट आम देखा मिड पॉइंट फॉर्मूला इफ आर ऑफ एक्स वाई जेड डिवाइड्स पी ऑफ एक्स वन वाई वन जेड वन एंड क्यू ऑफ एक्स टू वाई टू जेड टू इनटू द रेशियो ओके वन इज टू वन दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू बाय टू वाई इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू बाय टू जेड इज इक्वल टू जेड वन प्लस जेड टू बाय टू एटा होची हमर कोना मिड पॉइंट रो फॉर्मूला हैला दीटा लाइन देथबा हमको मझी पॉइंट सॉल्व करिवार अछि ताले हमें तारो कोन फॉर्मूला पके परबा एक्स वन प्लस एक्स टू बाय टू वाई वन प्लस वाई टू बाय टू जेड वन प्लस जेड टू बाय टू हैला नेक्स्ट हमें देखिबा डायरेक्शन रेशियो ओके डायरेक्शन रेशियो आउ डायरेक्शन कोसाइन्स डायरेक्शन रेशियो होची तार फॉर्मूला होची हमरो कोनो एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन जोटा कि डेनोटेड करा जाए ए बी सी स्मॉल ए बी सी रे ओके आउ डायरेक्शन कोसाइन रो फॉर्मूला होची हमरो फॉर्मूला होची एल इज इक्वल टू ए बाय प्लस आर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रो रूट ओवर एम इज इक्वल टू बी बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रूट ओवर एन इज इक्वल टू सी बाय प्लस आर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रूट ओवर हैला एटा होची डायरेक्शन रेशियो आउ डायरेक्शन कोसाइन रो फॉर्मूला आमे डायरेक्शन रेशियो काढ़ी सारे ही आमे डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करिया मन कर तुम गोटे क्वेश्चन दे थी फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टू थ्री फोर फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टू थ्री फोर ताले आमे ताको केमते सॉल्व करिबा टू बाय प्लस आर माइनस टू रो स्क्वायर प्लस थ्री रो स्क्वायर प्लस फोर रो स्क्वायर रो रूट ओवर एम इज इक्वल टू थ्री बाय टू रो स्क्वायर प्लस थ्री रो स्क्वायर प्लस फोर रो स्क्वायर रो रूट ओवर एन इज इक्वल टू थ्री बाय फोर बाय प्लस आर माइनस टू रो स्क्वायर प्लस थ्री रो स्क्वायर प्लस फोर रो स्क्वायर रो रूट ओवर एटा होची हमरो डायरेक्शन कोसाइन काढ़ फॉर्मूला ओके बुझिले समस्ते कौन कौन पढ़ी आम प्रथम आम आरंभ कले थ्री डी मान कौन थ्री डी क्या कहा जाए देन नेक्स्ट पढ़ले आम डिस्टेंस फॉर्मूला नेक्स्ट पढ़ले आम डिविजन फॉर्मूला नेक्स्ट पढ़ले आम डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन्स मिड पॉइंट एजाक पढ़ले बर्तमान आम देखा प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट ऑन अनदर लाइन जदि दीटा लाइन दे तार आमको प्रोजेक्शन फाइंड करिया को दे तो तार फॉर्मूला होची एल इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस एम इंटू वाई टू माइनस वाई वन प्लस एन इंटू जेड टू माइनस जेड वन सेटा होची दीटा लाइन मध्यरे जदि तुमको प्रोजेक्शन दे तार फॉर्मूला होची सेटा हैला एल इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन एम इंटू वाई टू माइनस वाई वन प्लस एन इंटू जेड टू माइनस जेड वन नेक्स्ट देखिबा आमे जति तुम फॉर्मूला पढ़ा है थिला एडा जस्ट तार टिके रिविजन करा होची नेक्स्ट आमे देखिबा एंगल बिटवीन टू लाइंस तो एंगल आमे देखो दीटा डायरेक्शन रेशियो को लेके काढ़ी परिबा डायरेक्शन कोसाइन को लेके मध्य आमे काढ़ी परिबा तो आमर जदि डायरेक्शन आमे जदि
डायरेक्शन रेशियो नहीं कि जदि मन कर काढ़ीबा दीटा लाइन मध्ये एंगल तो तार फॉर्मूला होची cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 होल डिवाइडेड बाय प्लस आर माइनस a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर रो रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर रो रूट ओवर एडा होची जदि हमें डायरेक्शन रेशियो नहीं कि जदि हमें दीटा लाइन मध्ये एंगल काढ़ीबा जदि हमें कोसाइन नहीं के एंगल काढ़ीबा तो तार फॉर्मूला होची cos थीटा इज इक्वल टू l1 l2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स l1 l2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 जे जो प्रोसेस रहले काढ़ परिबो जने डायरेक्शन रेशियो नहीं कि मध्य काढ़ परिबो जने डायरेक्शन कोसाइन नहीं कि मध्य काढ़ परिबो जदि दीटा लाइन परपेंडिकुलर हैला तो तार फॉर्मूला होची l1 l2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 इज इक्वल टू 0 एटा होची डायरेक्शन कोसाइन्स को नै की नेक्स्ट डायरेक्शन रेशियो को नै की होची a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 जे जो वे रे करि परिबो जदि दीटा लाइन पैरेलल हैला तो तार फॉर्मूला होची a1 a2 b1 b2 इज इक्वल टू c1 c2 जदि तमरो डायरेक्शन कोसाइन नै के काढिबा हमें तो तार फॉर्मूला हबो L1 by L2, M1 by M2 is equal to N1 by N2. तो हमें डायरेक्शन रेशियो नहीं काढ़ परिबा, डायरेक्शन कोसाइन नहीं की काढ़ परिबा। तो एत्ती की होची तमरो स्टार्टिंग फॉर्मूला। हमें 3D को जिबा पूर्वरु एत्ती की होची तारो स्टार्टिंग फॉर्मूला। ए फॉर्मूला भीतर जदि किसी डाउट अच्छी बोले पचारो। ए जाको ऑलरेडी तुम्हें पढ़ी छो तुम्हारो फर्स्ट ईयर रे एटा जस्ट टिके रिविजन करले तुमको मन पड़ जीव हेलो बुझला समझते यस मैम ओके तो फॉर्मूला जाके कौन कौन हैला तुम समस्त मन रखिलो प्रथमे हमें पढ़ले डिस्टेंस फॉर्मूला देन पढ़ले हमें डिवीजन फॉर्मूला देन हम डिवीजन फॉर्मूला को दी भाग रे विभक्त होइछे गोटे होछे इंटरनली गोटे एक्सटर्नली तापर हमें पढ़ले कोनो मिड पॉइंट फॉर्मूला तापर पढ़ले डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन्स तापर हमें पढ़ले एंगल बिटवीन तापर हमें पढ़ले दीटा लाइन परपेंडिकुलर केते बड़े हुए आउ पैरेलल केते बड़े हुए एति के होची तमरो स्टार्टिंग फार्मूला ओके नेक्स्ट हमें देखिबा हमरो माने ताकू बेस करे कि हमरो कोन कोन प्रॉब्लम अछि एटे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहो छी देखो ये क्वेश्चन देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ए ऑफ 134 टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स बी ऑफ 30-1 एंड सी ऑफ 01-2 तो हमरो जो गोटे लाइन को आ गोटे लाइन को हमें ड्रॉ करिबा देखो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर देछि तो फर्स्ट पॉइंट इज योर ए ऑफ 134 ताको हमें जो सेकंड लाइन को ड्रॉ करिबा तर सीधा पॉइंट से तुमको क्वेश्चन पचार छी और बी रो पॉइंट दे छी 30-1 और सी दे छी 01-2 तो ए रो फ्रंट पॉइंट ता तुमको पचार छी जोटा की डी क्वेश्चन बुझु छ क्वेश्चन समस्त बुझिलो की फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ए ऑफ 134 टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स बी ऑफ 30-1 एंड सी ऑफ 01-2 मतलब तुम स्टार्टिंग पॉइंट होची ए ए रो होची 134 तार सीधा पॉइंट से तुमको क्वेश्चन करची जोटा की डी आ से डी पॉइंट ता जॉइन करची बी को आ सी को ओके तो तुम्हें हमें किमते सॉल्व करिबा लेट द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इज डी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ए डी टा हमें कोड़ ड्र करिबा ए रु आ से मन जॉइनिंग करिबे काहा को बी सी को इनटू द रेशियो एम इज टू एन लिखि पारो कि के इज टू वन लिखि पारो जोडा भी तुम्हें लिखि पारो इंटरनली फॉर्मूला रे केते सेटा बी रो पॉइंट तुम्हें जानिचो सी रो पॉइंट जानिचो तो डी रो पॉइंट काढिबार अछि यूजिंग इंटरनली फॉर्मूला तले आंसर केते सबो देख सॉल्व करो
समस्त सॉल्व करो बी पॉइंट जानी जो सी पॉइंट जानी जो मझे हमको डी पॉइंट दरकार इनटू द रेशियो एम इज टू एन मध्ये नै पारो नले के इज टू 1 मध्ये नै पारो तम इच्छा ताले मझे पॉइंट केते आसीबो आमे एठी सॉल्व करिवार अछि एडी बाहर करिवो बीसी बाहर करिवो हैला एडी बाहर करिवो बीसी बाहर करिवो एडी रो डायरेक्शन रेशियो बाहर करिवो आ बीसी रो डायरेक्शन रेशियो बाहर करिवो दीटा जको परपेंडिकुलर कंडीशन पकिवो परपेंडिकुलर कंडीशन आमे पढिले a1 a2 b1 b2 c1 c2 0 से फार्मूलाटा जस्ट पके के आमे के रो वैल्यू बाहर करिवार अछि तो प्रथम काम होछि आमे डी बाहर करिवार अछि यूजिंग इंटरनली फार्मूला डी बाहर लेही आमे एडी बाहर करि पाइबा कारण ए इज गिवन बी इज गिवन सी इज गिवन डी हमको फाइंड करिवार अछि तो प्रथमे डी पॉइंट टाकु सॉल्व करो यूजिंग इंटरनली फार्मूला केते आसला डी रो वैल्यू सॉल्व करू छो की हां मैम तो डी पॉइंट केते आसला डी पॉइंट कहां को नै की करिवो बुझु छो की नै बी और सी को नै की यूजिंग एम इज टू एन रेशियो नले के इज टू 1 जोटा भी तुम कर पालो तुम एम इज टू एन रे करो तुमको इजी होबो कारण आम जी इंटरनाली एक्सटर्नाली सब पढ़ी चे कौन यूजिंग द रेशियो एम इज टू एन रे ही करचे ना तो तमे बाहर करो कौन लिखिबो लेट डी डिवाइड बीसी इनटू द रेशियो एम इज टू एन इंटरनाली देन द कोऑर्डिनेट ऑफ डी एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाय एम प्लस एन तो हियर एक्स टू इज इक्वल टू जीरो ना तुम बी टा हूँ एक्स वन वाई वन जेड वन और सी टा हूँ एक्स टू वाई टू जेड टू तो से दीटा को लेकिन तुम सल्व करो mx2 plus nx1 by m plus n my2 plus ny1 by m plus n mz2 plus nz1 by m plus n से फॉर्मूला डा पका केते आसला कोऑर्डिनेट ऑफ डी हेला समस्तर कोऑर्डिनेट ऑफ डी हां मैम देन हमें कोन बाहर करिबा तो तमे कोऑर्डिनेट ऑफ डी जो एबे बाहर करलो सेटा कोथरे अछि एम आ एन रे अछि ना नै तो हमको एम आ एन रो वैल्यू बाहर करियार अछि एम एन रो वैल्यू बाहर करले ही हम से जगह पुट करके हमें तार आंसर बाहर कर पारे ओ एम एन रे रखिबा कि हमें तमहु से पचर छि ना फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डी बोली पचर छि ना पुट ऑफ द परपेंडिकुलर तो बर्तन हमें कोन बाहर करबा डायरेक्शन रेशियो ऑफ एडी कोनी डायरेक्शन रेशियो ऑफ बीसी डायरेक्शन रेशियो ऑफ एडी बाहर कर परबो ए इज गिवन 1 3 4 डी तो तमने अब फाइंड करलो तो एडी माने कोन सेकंड रो फर्स्ट माइनस करबा एक्स2 माइनस एक्स1 y2 minus y1, z2 minus z1. तो प्रथम एबे डायरेक्शन रेशियो ऑफ AD बाहर करो पुणी डायरेक्शन रेशियो ऑफ BC बाहर करिवो डायरेक्शन रेशियो रो फार्मूला मु पढेली सेकंड रो फर्स्ट को माइनस करिवाटा x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1 एटा ऑलरेडी तो माने परि पकेबा कथा जेतो एटा हमर पढाई जैछि फाइंड करो डायरेक्शन रेशियो ऑफ एडी देन फाइंड आउट डायरेक्शन रेशियो ऑफ बीसी देन हमें परपेंडिकुलर कंडीशन पकेबा डायरेक्शन रेशियो माने सेकंड रो फर्स्ट पॉइंट को माइनस करिवाटा x2 माइनस x1 तमरो सबले फर्स्ट एटा होची x1 y1 z1
तो ये तुम जो डी टा आम कौन फर्स्ट टू एक माइनस कर सेकेंड टू थ्री माइनस कर थर्ड टू फोर माइनस कर माइनस ए सॉल्व करू चो की हाँ मैम बाहर करो एडी सब मन रख फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मीन्स प्रथम हूँ तुम डी पॉइंट बाहर कर यूजिंग इंटरनली फॉर्मूला एम एस टू एन देन डायरेक्शन रेशियो ऑफ एडी डायरेक्शन रेशियो ऑफ बीसी देन अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर कंडीशन ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इज इक्वल टू जीरो दैट मीन्स एडी परपेंडिकुलर टू बीसी तुम डायग्राम टा केमती कटा हम बुझी पार्छ एडी लाइन परपेंडिकुलर टू बीसी तो से लाइन पके की परपेंडिकुलर कंडीशन पके की एमएन रो वैल्यू बाहर करिवो देन पुट द वैल्यू ऑफ एम एंड एन कोठी पकेबा में सेटा डी जगह रे पकेबा तो डी जगह रे पकेले जो तीनटा पॉइंट आसबो सेटा होची तमरो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर तो एडी कत एडी पर पुणी आउ थे बीसी फाइंड करिबा एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन फोर फोर मार्क बेले बेले तुमको ए क्वेश्चन टा ए टाइप रे मध्ये पचारि पारे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन दे दिथिबो एठी जो तुमको पॉइंट देछि ए ऑफ 1 3 4 बोली देछि सेमिति न देकि तुमको पचारथिबो क्वेश्चन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन जॉइनिंग ओरिजिन माने तमे बुझिवार अछि जे x = 0 हमर जो ओरिजिन माने हमर कोन 0 0 0 ना तो से ओरिजिन तुम बेले बेले 0 0 लिखि पारे बेले बेले तुमको ओरिजिन बोली भी मेंशन करि पारे तो ओरिजिन माने तुम बुझिवार अछि जे 0 0 0 ए पॉइंट ता तुमको 0 0 0 देछि बोली डायरेक्शन रेशियो बाहर कर लो डायरेक्शन रेशियो ऑफ एडी देन डायरेक्शन रेशियो ऑफ बीसी बीसी तमरा केते आसीबो 0 माइनस 3 1 माइनस 0 माइनस 2 माइनस ऑफ 1 तो केते आसीबो सेटा बीसी माने सेकंड रो फर्स्ट को माइनस करो 0 माइनस 3 1 माइनस 0 माइनस 2 प्लस 1 हेला तो वर्तमान आमे कोन करिबा डायरेक्शन रेशियो ऑफ एडी काले डायरेक्शन रेशियो ऑफ बीसी बाले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एडी परपेंडिकुलर टू बीसी तो परपेंडिकुलर कंडीशन हमें पढ़ी जे ए1 ए2 प्लस बी1 बी2 प्लस सी1 सी2 इज इक्वल टू 0 तो पकाओ सॉल्व करो एडी तो बाहर करलो बीसी बाहर करलो यार फर्स्ट को एडी रो फर्स्ट पॉइंट को बीसी रो फर्स्ट पॉइंट मल्टीप्लाई करो प्लस एडी रो सेकंड पॉइंट को बीसी रो सेकंड पॉइंट मल्टीप्लाई करो पुणी एडी रो थर्ड पॉइंट को बीसी रो थर्ड पॉइंट को मल्टीप्लाई करो इज इक्वल टू 0 क्वेश्चन इज गिवन एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी
तो सॉल्व करके आमे वैल्यू बाहर करियार अछि एम रो वैल्यू केते एन रो वैल्यू केते बाहर कर सला परे आमे डी जगह रे एम आ एन जगह रे आमे पके परबा AD परपेंडिकुलर टू बीसी सॉल्व करो एम आउ एन रो वैल्यू केते होबो अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर कंडीशन मल्टीप्लाई कर लो एम बाय एन कितने आसला परपेंडिकुलर कंडीशन पके कि एम आउ एन रो वैल्यू बाहर करो फोर बाय सेवन तो समस्त घर आसला 4 बाय 7 m बाय n इज इक्वल टू तो हमें सेरा कोड पकेबा द कोऑर्डिनेट्स ऑफ d d जो तमरो इन टर्म्स ऑफ तमरो कोथरे अछि m बाय n टर्म रे अछि ना नै तो m जगह रे तमे 4 पकेबो n जगह रे 7 पकेबो पके के वैल्यूटा बाहर करो जो तीनटा पॉइंट आसला पॉइंट कोन कोन आसला कुओ कितने आसला कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी
हेलो मैम कौन आसला पॉइंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी केते आसला समस्त घर ओके तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर जेमती भी पचारले करि परिबो एतर ओरिजिन को देखि पचारि परे नले एमती मध्ये देखि पचारि परे हैला एक्सरसाइज रे तमे देखो केमती क्वेश्चन पचारची तो देखो तमरो एक्सरसाइज रे केमते प्रॉब्लम अछि ताको बेस करके देखो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्वेश्चन देखो कोठी अछि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर समस्त देखु छ कि नै क्वेश्चन हां केते नंबर कहले देखि क्वेश्चन नंबर 4 चारि रो ए बिट चारि रो बी बिट देखो बी बिट त म तुम कहतलि कि नै बेले बेले पॉइंट दबो बेले बेले ओरिजिन दबो चार नंबर एटा देखो क्वेश्चन देछि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 111 टू द लाइन जॉइनिंग 146 एंड 544 एटा तमे करि परिबो नेक्स्ट क्वेश्चन अछि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ओरिजिन देखो देछि से ए जगह रे ओरिजिन देला मीट्स द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स होछि -945 11 0 -1 हैला क्वेश्चन नंबर सी बिट टा देखो चार नंबर रो सी बिट कोन देची कोलिनियर माने कोन पढिचो तमे कोलिनियर माने हमें कोन पढचे केते बळे तीनटा पॉइंट कोलिनियर हबो जते बळे सेटा गोटे लाइन रे लाय करिवो दैट मींस गोटे पॉइंट कॉमन रहिवार अछि माने डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीक्यू बाहर करिवो डायरेक्शन रेशियो ऑफ क्यूआर बाहर करिवो देखिबो डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीक्यू जति के आसीबो डायरेक्शन रेशियो ऑफ क्यूआर समथिंग मल्टीप्लाई हे के सेति के आसीबार अछि बुझि पारछो कि नै डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीक्यू इज सेम एज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ क्यूआर मन पड़ला कोलिनियर केते बळे तीनटा पॉइंट हमें कोलिनियर कहिबा जते बळे से माने गोटे लाइन रे लाय करिवे तो प्रथमे हमको बाहर करिया को पड़िबो डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीक्यू एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ क्यूआर सॉल्व करो डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीक्यू बाहर करो डायरेक्शन रेशियो माने तो जानी छो ना x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 तो से फार्मूला पके के पीक्यू बाहर करो देन क्यूआर बाहर करिवो तो तमे बुझी परिबो जे कोन आसु छी आंसर तो हम लोग की नाटक के लिए भी चालू कर रहे हैं।
बाहर कर लो डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू डायरेक्शन रेशियो ऑफ क्यू एन देख लो कौन आसला कहले देख डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू केते आसला 2 2 - 2 डायरेक्शन रेशियो ऑफ क्यू एन 4 4 - 4 तो कॉमन कड़ो PQ को सेम करिवार अछि QR सहित हमको ना PQ जति के आसीबो QR सेति के आसीबार अछि तो कॉमन काढ़ कॉमन करिकि PQ सहित QR को समान करो कलो समस्ते डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू डायरेक्शन रेशियो ऑफ क्यू वन सरला कि समस्त कर तो आम कंक्लूजन रे कौन लिखा हेन्स पी क्यू आर आर कोलिनियर आज कॉमन पॉइंट क्यू पी क्यू आर रे कॉमन पॉइंट कौन कि क्यू ना आमे जो बाहर कले पी क्यू आउ क्यू आर बाहर कले से मध्य कॉमन पॉइंट आमर कौन क्यू तो आमे लिखी परबा कंक्लूजन रे सब बोले हेंस पी क्यू आर आज कोलिनियर आज ए कॉमन पॉइंट क्यू ओके देखो सेम क्वेश्चन तमरो 3 नंबर बी ए बीट अछि देखो सो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर तीनटा पॉइंट दीजिए तुमको कोलिनियर शो करिवार अछि सेम क्वेश्चन डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी बाहर करिवो डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी बाहर करिवो तीनटा पॉइंट को जदि आमे ए बी सी नबा कारण एबे जो क्वेश्चन ता तमे करला से पी क्यू आर मेंशन करथिला एडी तो किछ मेंशन करने ना तीनटा पॉइंट देछि तो तमे ए बी सी मध्ये नै परिवो तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी बाहर करिवो डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी बाहर करिवो देखिवो कॉमन कोण आछि तापर लिखिवो हेंस ए बी सी आर कोलिनियर आज बी इज द कॉमन पॉइंट हबो ना यस देन क्वेश्चन नंबर 4 रो डी बिट देखो कोण देछि 4 नंबर रो डी बिट जो ए को देछि सेटा कोण बुझि परछो कि नै सेटा होछि एक्स रो वैल्यू क्वेश्चन तमरो देला इफ पी ऑफ 1 वाई जेड लाइज ऑन द लाइन थ्रो 3 2 - 1 एंड -4 6 3 फाइंड वाई एंड जेड एक्स इज गिवन एक्स इज इक्वल टू 1 सेतमे से 1 दे देची लाइज ऑन द लाइन थ्रो 3 2 - 1 एंड -4 6 3 फाइंड वाई एंड जेड कौन बुझिलो क्वेश्चन देखि कहिलो ए बी दीडा पॉइंट देछि से दीडा को जो लाइन जॉइन करछि सेठी पी पॉइंट तो हमें केमते सॉल्व करबा एमते क्वेश्चन देथिले केमते सॉल्व करबा मु कहिथिले लाइन देची बोले मु तमु सबोले कहिथिले इंटरनली फार्मूला पडिबो दीटा पॉइंट देची देखो कोन लिखिबो पी ऑफ 1 वाई जेड डिवाइड एटा को आमे मनकर क्यू आर नबा q of 3 2 - 1 and r of -4 6 3 into the ratio m is to n to coordinate of maji point bahar kariba bujhucho ki nai to maji point amra kete asio -4m + 3n / m + n puni 6n + 2n / m + n puni 3m - n / m + n to first point is equal to 1 de dechi
तो सेठ आम एम एन रैल्यू बाहर करें सेकेंड पॉइंट पकईदे खाली एम जगार पकेबा एन जगार पकेबा थर्ड रुण एम जगार पकेबा एन जगार पकेबा तो सेटा तुम आसो वाई रैल्यू आउ जेड रैल्यू एक्स इज गिवेन तो फर्स्ट एक्सट्रा गिवेन बेले बेले तुमको क्वेश्चन नहीं कि वाई टा गिवेन मनकर एक्स थ्री फोर दे बेले बेले तुमको एमती एक्स वाई फाइव जेड टा गिवेन क्वेश्चन एक्स गिवेन तुमको क्वेश्चन वाई इज गिवेन जेड इज गिवेन तो क्वेश्चन बुझल कि ना कह मुझे जो तुमको कहली खाली जस्ट इंटरनली फॉर्मूला पड़ो आ कि ना इंटरनली फॉर्मूला पकाओ P of 1yz divide Q of 32 minus 1 and R of minus 463 into the ratio M is to N internally. Then the coordinate of P is equal to amara kete asibo minus 4m plus 3n by m plus n. Then 6m plus 2n by m plus n. 3m minus n by m plus n. So according to question, माइनस फोर एम प्लस थ्री एन बाय एम प्लस एन इज इक्वल टू वन फर्स्ट पॉइंट वन देची ना नहीं हाँ तो सॉल्व करके एम एन रो वैल्यू बाहर करो एम एन रो वैल्यू बाहर कर दले हमें सेकंड थर्ड रे खाली पके देवा कथा जोटा कि तुम्हारा वाई रो वैल्यू और जेड रो वैल्यू पड़े आसो सॉल्व करो माइनस फोर एम प्लस थ्री एन बाय एम प्लस एन इज इक्वल टू वन ताले एम रो वैल्यू केते हो एन रो वैल्यू केते हो कितने स्लैम रो भिलो एंड रो भिलो बाहर
y is equal to केते आसला जेम जे हमर x रो वैल्यू तो से देइछि 1 बोली y रो वैल्यू z रो वैल्यू हमहु सॉल्व करियाक पडिबो mn वैल्यू बाहर कर सला परे समस्त वाई रू जेड रू आसला कि एम एन वैल्यू सॉल्व कल एटा जमती देखिए तुम क्वेश्चन इफ पी ऑफ वन वाई जेड लाइज ऑन द लाइन थ्रो 3 2 -1 एंड -4 6 3 फाइंड वाई एंड जेड तो सिमिलर क्वेश्चन तुमको एमिति मध्य दे पारिबो इफ पी ऑफ x 2 z that means y is given tumko pachar paribo find x and z next emti madhyo question dei paribo if p of x y 5 to seti tumko pacharibo x y ro value madhyo kete to eta tini prakar question hei paribo x y pachar pare y z pachar pare pae jemti hele bi pachar paribo gote kintu point tumko given dei thibo either x dei thibo nale y dei thibo nale z dei thibo